वन स्टेप टफ होता है कंपेयर टू द एक्चुअल एग्जाम जो मेनुअर का मॉक आपने लिखा था सो लेट स्टार्ट वीडियो बिफोर दैट गाइज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री की बैचेस लॉन्च हो गई है दो जो आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस टारगेटिंग फॉर क्लैट एम एस सी टी स्लैट सिम्बाओसिस सो यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर एंड ज्वाइन दी बचेज ऑल्सो यू वॉन्ट कॉल बैक फ्रॉम आर काउंसलर सो रजिस्टर योर सेल गूगल फॉर्म के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है काइंडली चेक द डिटेल्स एंड दिस आर द करिकुलम विच विल बी गेटिंग फॉर योर प्रेपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेंटरशिप सी लास्ट तक मेंटरशिप चलते रही आपके एम को लेकर के और फाइनली सारे स्टूडेंट को ये क्लियर हो गया था कि भाई पेपर में ये सारे चेंजेस हैं सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ मेंटरशिप आपको कंटिन्यूसली अपडेट मिलते रहते हैं एंड टेस्ट सीरीज़ विल बी देयर एंड टेन थाउजेंड प्लस क्वेश्चन यू विल बी प्रैक्टिसिंग सो इफ आर टारगेटिंग फॉर क्लैट तो एन के सिवा कोई टारगेट नहीं होना चाहिए कॉलेज को लेकर के इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एम एस लॉ तो जी या तो फिर आई इसके नीचे नहीं सोचना अगर अभी से आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तो और इट्स नॉट लेट्स टॉक अबाउट द इंग्लिश फर्स्ट तो इंग्लिश का जो पेपर था उसके अंदर फिलअप आए तो थे टू क्वेश्चन इनोनियम टू क्वेश्चन सेंटेंस करेक्शन से फाइव क्वेश्चन स्पेल चेक टू क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्यूशन टू क्वेश्चन एंटोनियम से थ्री क्वेश्चन कॉम्पिटन दो थे पाँच पाँच क्वेश्चन तो ओवरऑल टेन क्वेश्चन थे एडियम थ्री क्वेश्चन एंड एनोलॉजी वन क्वेश्चन दिस इज द ब्रेकअप ऑफ योर थर्टी क्वेश्चन फॉर थर्टी मार्क्स ये आपका ब्रेकअप है और जो क्वेश्चन का लेवल था मैंने भी सी टी का एग्जाम्स लिखा था एंड uh, जो मेरे स्लॉट में क्वेश्चन आए थे वो मैं बता देता हूँ सो यू शुड अवेयर ऑफ पहला जो वर्ड है वो है बैरन तो बैरन का आपको एंटोनियम पूछा था तो होगा फर्टाइल बैरन मतलब एकदम सूख गया है मतलब कि कुछ भी चीज़ें प्रोडक्टिव नहीं है तो फर्टाइल होगा उसका फिरोसियस आया था फिरोसियस फिरोसियस का एंटोनियम पूछा था वुलनर इसका एंटोनियम आपको पूछा था ये तीन वर्ड्स मुझे याद है सिनोनियम पूछा था कैमोफ्लॉक का एंड दूसरा जो वर्ड है वो प्रिडिका करके है वर्ड so ये आपका सिनोनियम एंड एंटोनियम को लेके क्वेश्चन है एडियम्स जो आए थे आपके वो स्प्लिटिंग हेयर्स दैट इज द वन टू मेनी आयरन्स इन द फायर इसका मतलब आपको बताना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आपका रीडिंग कॉम्बिनेशन था आर को लेकर के और एक आर था नॉट रिमेंबर उसके बाद एनोलॉजी बहुत ईजी था वर्ड डिक्शनरी तो सेल बॉडी ये आंसर होगा तो वर्ड जो है वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स से आपका डिक्शनरी बनता है वैसे सेल के थ्रू आपका बॉडी बनता है उसके बाद जो वर्ड था पर्सन हुआ है मोर देन वन वाइफ उसको बोलते हैं पॉलीगैमी तो ये कुछ वर्ड्स थे इंग्लिश को लेकर के तो इंग्लिश में यार पेपर इजी था एंड आउट ऑफ थर्टी अगर आपका स्कोर ट्वेंटी फाइव प्लस आ रहा है तो डिसेंट स्कोर है लुकिंग एट कि पेपर आपका इजी था ओके नेक्स्ट इज नथिंग बट द लॉजिकल रीजनिंग एनालॉजी से फाइव क्वेश्चन नंबर सीरीज से फोर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से थ्री क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग फाइव क्वेश्चन सिलॉग से थ्री क्वेश्चन डायरेक्शन वन क्वेश्चन अरेंजमेंट पजल दो सेट आए थे सो टेन क्वेश्चन अल्फाबेट टेस्ट वन क्वेश्चन लेटर सीरीज से टू क्वेश्चन ऑर्डमैन आउट एंड ऑर्ड एलिमेंट फिगर को लेकर के थ्री कंपेरिजन ओरिएटेड वन क्वेश्चन एंड क्लॉक से तीन क्वेश्चन था इसलिए अपन ने क्लॉक एंड कैलेंडर कर लिया था कि इस साल क्वेश्चन वहाँ से एक्सपेक्टेड थे तो लॉजिक का जो ओवरऑल टाइप क्वेश्चन था कुछ क्वेश्चन आई इट डाउन तो ये एक क्वेश्चन आया था मुझे इसका आंसर बताना क्या होगा ट्वेंटी फाइव थर्टी सेवन और आपका ये एनालॉजी है फोर्टी नाइन नेक्स्ट बताओ क्या होगा तो कमेंट में आंसर पोस्ट करो इसका उसके बाद यार ऑड फिगर आया था ए ए ई ई जेड एन यहाँ पे भी एक दो तीन डंडी है वन टू तो, थ्री यहाँ पे भी वन टू तो, थ्री तो मोस्टली आंसर आपका क्या होना चाहिए ई e. यहाँ पे वन टू तो, थ्री फोर डंडी है तो ऑड फिगर ये बहुत ईजी था बाकी ब्लड रिलेशन में आपको जो पॉइंटिंग टू द पर्सन जो होता है वो टाइप के सेंटेंस वाले क्वेश्चन आए वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली होते हैं बाकी आपका मिसिंग नंबर से भी दो क्वेश्चन है तो वो मैंने लिस्ट किया हुआ है ऑलरेडी सो दिस इज़ वॉल द लॉजिकल सेक्शन गाइज इसका आंसर मुझे बताओ और एक और क्वेश्चन आया था अरेंजमेंट uh, को लेकर के वो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी दे दिया जितने लोगों ने स्लॉट टू वाले हाँ स्लॉट टू वाले अगर आपको ने ये वाला अरेंजमेंट ऐसे बनाया है तो आपका राइट right है जिस दिन लेक्चर नहीं होगा वो है ट्यूज़डे जिस दिन आपका लेक्चर नहीं होगा तो डे वर्सेज सब्जेक्ट को लेकर के आपका अरेंजमेंट आया था सो आई होप जितने लोग को किया होगा उनको याद होगा ये चीज़ तो so मैंने सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया हुआ है एंड कट ऑफ वाइज इफ यू टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग तो फोर्टी में से यार थर्टी टू से थर्टी थ्री अगर आप मैनुअल स्टूडेंट्स से अगर इतना स्कोर नहीं आया ना आपका तो प्रॉब्लम है मतलब आपने इतनी मेहनत की थी तो ये सब पेपर तो बहुत ईजी लेवल पर था अच्छा स्कोर जाएगा आई एम नॉट सरप्राइज अगर कोई थर्टी फाइव प्लस भी हिट करता है और ए कमिंग टू द मैथ्स आई वॉज एक्सपेक्टिंग की मैथ्स ज़्यादा आएगा डर लग रहा था बट लकली नहीं आया मैथ्स सब लोग का भला हो गया नंबर सिस्टम से दो क्वेश्चन परसेंटेज दो यूनिटरी मेथड शॉर्ट ऑफ वन क्वेश्चन जोमेट्री का बेसिक वन क्वेश्चन तो छः क्वेश्चन तो मुझे दिखे मैथ्स से लेकर के आराम से चार से पाँच क्वेश्चन तो राइट आराम से कर सकते हो आप इसमें जो क्वेश्चन का था बहुत ईजी आया था मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर आप कमेंट में आंसर बताना क्या होगा फिफ्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी बताओ ये क्वेश्चन का आंसर जितने भी गलत किया है ना मतलब फिल्लू में पानी लो और आगे का प्रोसेस पता है ना अगर ये क्वेश्चन गलत किया है तो इतना पप्पू क्वेश्चन था उसके बाद आया था आपको एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन भी मैंने लिखा एट एटीन सबका आंसर मैं नहीं बताऊँगा आपको बताना है और एक था आपका ये फिलिंग द ब्लैंक सही है यहाँ पे फिफ्टी बेसिकली नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है उसके बाद आपको आया था क्वेश्चन फोर्टी परसेंट ऑफ वन फिफ्टी इज इक्वल टू एट परसेंट ऑफ एक्स एट परसेंट तो एक्स के वैल्यू निकालो मतलब सिंप्लीफिकेशन का जो बेसिक हम जो करते हैं ना अभी पहला लेक्चर करते हैं बेसिक ऑफ उस टाइप के क्वेश्चन से बेसिकली हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ पॉइंट बताओ कमेंट में आंसर क्या होगा तो ये साइप के कुछ क्वेश्चन आए थे जितने लोग 2022 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर sure इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना ही अपने को और इससे एडवांस लेवल पे सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ मैनुअल ऑल द फैकल्टी राइट द एग्जाम एवरी ईयर मतलब मैंने आज साल सारे सी के एग्जाम लिखे बाकी दूसरे फैकल्टीज लोगों ने भी एग्ज़ाम्स लिखे हैं सो वी हैव अ प्रॉपर एनालिसिस और आपको मॉक और जब लेक्चर्स होंगे उसी टाइप के कॉन्टेंट आपके टीचिंग में भी होंगे सो so, दैट कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए अगर नया भी कुछ आ गया तो अभी अपन फोड़ के रख देंगे सो मैथ्स के अंदर जो फोर टू फाइव स्कोर आराम से आ जाएगा उससे मतलब आउट ऑफ भी ला सकते हो यार इतना टफ क्वेश्चन नहीं था जीके एंड करंट अफेयर्स को लेके एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा एक्चुअल जो क्वेश्चन आए थे पूरा उसका वीडियो आ जाएगा उसका पी भी आ जाएगा वेरी सुन स्टैटिक से अप्रोक्सीमेट थर्टी प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स कम था सो अप्रॉक्सीमेट थर्टी फाइव प्लस क्वेश्चन यहाँ से थे और गुड स्कोर इन जी के आई वुड से ट्वेंटी फाइव प्लस जी के अंदर क्योंकि जी के बहुत ही ईजी था और स्टैटिक आया था ज़्यादा करके बट ईजी था टफ़ नहीं था अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो याद होगा एक दो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था पहला क्वेश्चन है भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाई है उसका नाम क्या है ये आपका वैक्सीन से लेके कोविड से लेके क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन अल्जाइमर डिजीज़ रिलेटेड टू वॉट आंसर कमेंट में पोस्ट करोगाइस उसके बाद नॉइस पॉल्यूशन को कैसे मेजर करते हैं यूनिट क्या है उसकी ये कुछ क्वेश्चन थे उसके बाद था फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है तो ये टाइप के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते है? तो एक एक्जैक्ट क्वेश्चन आपको इसका वीडियो भी आ जाएगा सेपरेट फॉर द जी के लास्ट इज नथिंग बट लीगल एप्टीट्यूड इस साल ये हुआ है कि लीगल एप्टीट्यूड और लीगल जी के ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आए हैं और लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कम हो गए तो यहाँ पे तो अनडाउटली थर्टी प्लस का स्कोर यू कैन आराम से हिट अगर अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है तो सो ओवरऑल कट ऑफ वाइज टॉक अबाउट तो टॉपर का जो स्कोर होगा वो वन थर्टी टू से वन थर्टी थ्री होना चाहिए अप्रॉक्सीमेट क्योंकि पेपर ईजी था तो इस साल कट ऑफ ऊपर जाएगा जी मुंबई वन से वन के बीच में आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो प्लस फाइव कर लेना एंड आई एल पुणे वन वन सिक्स दिस इज़ द रफ कट ऑफ आई एम गिविंग यू विद रिगार्ड्स टू द कॉलेज एक बार रिजल्ट आउट होने दो तो, दस से पंद्रह दिन में रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद कैप राउंड चालू होगा एंड वी गेट टू नो कि क्या कट ऑफ जाना चाहिए फॉर दी कॉलेजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर अपन ने अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया था टेन थाउजेंड रुपीज़ अवार्ड्स फाइव थाउजेंड रुपीज़ अवार्ड्स टॉप थ्री के लिए तो मेक श्योर रिजल्ट आने के बाद काइंडली कॉन्टैक्ट आ टीम अगर आप टॉप थ्री में आ रहे हो यू विल बी गेटिंग दी रिवॉर्ड्स एंड या वन पॉडकास्ट विथ मी ऑल्सो सो आई होप सबका पेपर अच्छा गया है सब लोग का स्कोर अच्छा ही आएगा डोंट नीड टू वरी अभी चिल करो जितनी मेहनत की थी हमारा एग्ज़ाम अच्छे से गया है और वो सफल भी हो गई है एग्जाम हमने बहुत अच्छे से लिखा है सबका पेपर अच्छा गया है. बहुत सारे बच्चों का कॉल आया है कि सर पेपर बहुत अच्छा गया है सो दिस इज वॉट आर मोटो गाइज टू ट्रेन यू पीपल इन सर्च अवे दैट यू कैन क्रैक द एग्जाम एंड एंड अप विद दी योर ड्रीम कॉलेज विच यू आर सिकिंग आउट फॉर सो ये चीज़ आपके फ्रेंड लेटू के साथ भी होनी चाहिए वो भी जो कॉलेज टारगेट कर रहा है उसको वो कॉलेज मिलना चाहिए सो इफ यू वॉन्ट टू हेल्प योर फ्रेंड लेटू दो जू आर टारगेटिंग फॉर लॉ एंट्रेंस सो यू कैन आज जम टू जॉइन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी थ्री बैचेस वी हैव लॉन्च एट मेनूर काइंडली कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर एंडिया विद रिगार्ड्स टू लॉ एंट्रेंस वी हैव लॉन्च सेपरेट यूट्यूब चैनल विच इज नथिंग बट मेनूअर लॉ एंट्रेंस एंडिया ये सारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करो बहुत सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन यहाँ पे आते रहते हैं so with regards to all the program mock test books link i have mentioned in the description kindly check the description wish you all the very best thank you